और ये सब करने के बावजूद आप उसको ना अपलोड जरूर करिएगा, क्योंकि सारी बहनें बहुत काम करती हैं मगर उनके काम ना दिखते नहीं है। तो जब हमारा ऊपर तक नहीं दिखेगा तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आज वो माना वही है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे, हम दिखाएंगे, तो हमारे उस अच्छे काम से चार लोग प्रेरित होंगे। तो 7 तारीख का, और अगर कोई डायरी या पेन लेके आया तो उसको जरूर लिख दीजिए कि हम खरीदेंगे अगर आप कर सकते हैं, और उन बुनकरों को सम्मान नहीं है ये। और मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा तो सब खादी के कपड़े पहने ही हुए हैं। आप पता कर, गांधी आश्रम है, मैंने तो सोचा कि सिविल लाइन में जो गांधी आश्रम है मैं वहीं पर ही पता करूंगी, तो आप भी वहां पे दाखिल कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो ना कि जो जो खादी आश्रम देगा। हाँ तो क्या, देखो वो तो है ही ना, उसका हिस्सा तो है ही सेल्स लाइन में करना है। जो जो पुलिस थाने हो या होमगार्ड हो या जो भी हो, उनको आप राखी बांधेंगी, टीका करेंगी और मिठाई खिलाएंगी, और कोशिश करिएगा कि एक साथ खड़े होके मत करिएगा, भाइयों को सबको बैठा लीजिएगा, फिर टीका करिएगा, फिर राखी बांधिएगा और मिठाई खिलाइएगा, और सुंदर सुंदर की फोटो खींच के अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और इस देश के स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी 75 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मोदी जी द्वारा इस देश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य रखा गया है कि हम सब लोग अपनी आज़ादी को, स्वतंत्रता को समझ सकें, और स्वतंत्रता के पीछे का उद्देश्य और स्वतंत्रता जो हम लोगों को मिली है उसके पीछे कितने बलिदानियों ने अपने शहीद अपने जान प्राण त्यागे हैं, उन सबको हम सब लोग शहीद को नमन कर सकें, इस उद्देश्य से कुछ कार्यक्रम तय करे गए हैं पार्टी के द्वारा, जो कि पूरे देश भर में चलने वाले हैं। ये कार्यक्रम, वैसे अभियान तो 2 तारीख से ही आरंभ हो गया था, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो कि पार्टी के द्वारा जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको अभी बताया गया कि 7 तारीख को तो फिलहाल ये हथकरघा हैंडलूम डे मनाया जाता है, हथकरघा दिवस है, जो कि आत्मनिर्भर भारत और स्किल डेवलपमेंट के उद्देश्य को प्रमोट करने के लिए भी मनाया जाता है। तो एक तो वो कार्यक्रम है जो कि 7 तारीख को मनाया जाएगा। उसके बाद चूँकि हमारे बीच में रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम आ रहा है, तो रक्षाबंधन में जो अपने पुलिस भाई हैं और जो जवान हैं जो कि हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, उन भाइयों को रक्षा के दृष्टि से रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम भी महिला मोर्चा के द्वारा ही किया जाना है। इसके बाद जो स्वतंत्रता के लिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम होने हैं जो कि 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, चूँकि 9 तारीख को हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उस उद्देश्य से 9 तारीख से हमारे एक कार्यक्रम आरंभ होगा जो कि 15 तारीख तक चलेगा, और उस 9 से 15 तारीख के बीच में बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं जिसके लिए आपको जानकारी दे दी गई। मैं डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा। आज ये हमारा तिरंगा अभियान है, उसके अंतर्गत ये महिला मोर्चा की बैठक है, और इसमें 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक के जो प्रोग्राम आए हैं महिला मोर्चा के और मेन पार्टी के, तो उसी के सिलसिले में आज ये बैठक रखी गई है कि किस दिन क्या क्या करना है। आगे की रणनीति यही है कि जो 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक के कार्यक्रम हैं उनको कैसे हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे करने हैं, उसी की रूपरेखा यहाँ पे बताई जानी है, बता चुके हैं। तो हम जितनी भी बहनें हैं महिला मोर्चा की, वो बढ़ चढ़ के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। 7 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है वो है, जो कारीगर होते हैं, जो हाथ से बुन के जो खादी का सामान बनाते हैं उनको सम्मानित करने का है, और 8 तारीख से लेके 11 तारीख तक का जो हमारे पुलिस भाई हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, होमगार्ड हैं, उन भाइयों को हमें राखी बांधने का प्रोग्राम है, और 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक का हर घर तिरंगा जैसा हमारा अभियान है उसको लेके है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के इस अवसर पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती वानाथी श्रीनिवासन जी, हमारी प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती गीता शाक्य जी के द्वारा, हमारे प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कृतिका जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर आदरणीय कविता यादव त्रिपाठी जी के दिशा निर्देश पे, और महिला मोर्चा की समस्त बहनों के द्वारा ये पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो कि 7 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा। 7 अगस्त जैसा कि बताया गया कि खादी का कार्यक्रम करना है, खादी की साड़ी पहनना है और झंडा लेके, खादी का झंडा लेके हमको फोटोग्राफ वगैरह डालना है, जन जागरूकता करना है, हम अपनी स्वदेश
स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं आत्मनिर्भरता के लिए। दूसरी चीज़ है हमारा 8 तारीख ऐसे करके रक्षा सूत्र है, रक्षाबंधन है, मूर्तियों की स्वच्छता अभियान है, वीरांगनाओं को उनके बारे में उनके बारे में जानकारी देना और झंडारोहण, हर घर झंडा हर मन झंडा, ऐसा अभियान पूरे देश भर में चलेगा। अर्चना शुक्ला, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, काशी क्षेत्र महिला मोर्चा।